खबर जौनपुर जनपद से है, जहां 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 1 अप्रैल को 16 लोग ऐसे चिंतित किए गए थे जो बड़ी मस्जिद में से रह रहे थे और निजामुद्दीन दिल्ली की जमात में शामिल होकर जौनपुर महमाना एक्सप्रेस से 14 मार्च को आए थे। इन 16 लोगों में 14 बांग्लादेश के थे, 1 पश्चिम बंगाल का था और 1 रांची का था। सभी 16 लोगों की रिपोर्ट आ गई है, जिनमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 1 बांग्लादेशी है, इस्माइल हुसैन, जिनकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। दूसरे यासीन अंसारी, ये रांची के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र लगभग 68 साल की है। इनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवा इलाज शुरू कर दिया गया है। हमने 16 लोग बांग्लादेशी परसों पकड़े थे, उनको सिया कॉलेज में रखा था और इन लोगों को सिया कॉलेज में जो रखा है, इसके सैंपल लिए थे, सैंपल भेज दिए थे, जिसमें 2 लोगों के आज पॉजिटिव सैंपल आए हैं। 1 बांग्लादेश का है और 1 ये जो बांग्लादेशी थी, इनका एक गाइड है। इस्माइल हुसैन बांग्लादेशी है और यासीन अंसारी ये रांची का रहने वाला है। इन दोनों को हमने अस्पताल में भर्ती कर दिया है, आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से आए थे सर और ये कहाँ थे? ये 14 मार्च को महा, जैसा अभी हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जितना प्रारंभिक जांच में है, 14 मार्च को ये लोग जौनपुर आए थे महामाना एक्सप्रेस से दिल्ली से। दिल्ली की जमात में भी ये शामिल हुए थे कुछ? ये दिल्ली की जमात में शामिल हुए थे, जैसा इन लोगों ने बताया था। तो सर क्या बाकी और लोगों की भी जांच कराई जा रही है? 16 लोग थे, जिसमें 14 बांग्लादेश के थे, 2 लोग इनके साथ में थे, 1 वेस्ट बंगाल का, 1 रांची का, जो गाइड का काम करते थे। इन 16 को सैंपल हमने लिए थे, इसमें 2 के सैंपल पॉजिटिव आए हैं, 1 इस्माइल और 1 यासीन अंसारी। अब तक कुल कितने मामले हुए? 1 मामला 23 मार्च को आया था, जिसके सैंपल हम लोगों ने लगातार भेजे हैं, अब उसका सैंपल नेगेटिव आ गया है, उसको कोरोना पहले था, पॉजिटिव आया था, और ये 2 मामले और। जौनपुर से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।